कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी भीता भय प्रद मनिंदित मंग्री पद्मम संसार सागर निमज्ज दशेस जंतु पुताय मानमभिनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशिः स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुम् तीर्थेश्वरस्य कमठस्मै धूमकेतोस् तस्याहमेश किल संस्तवनं करिष्ये। आज से कल्याण मंदिर स्तोत्र प्रारंभ कर रहे हैं। सभी लोग पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी, कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी भीता भय प्रदम, भीता भय प्रदम निंदित मंग्रि पद्मम। हाँ, प्रद तक पढ़ना है और मनिंदित पढ़ना है। भीता भय प्रद मनिंदित मंग्री पद्मम। भीता भय प्रद मनिंदित मंग्री पद्मम। संसार सागर निमज्ज दशेस जंतु, संसार सागर निमज्ज दशेस जंतु पोताय मान मभिनम्य जिनेश्वरस्य, पोताय मान मभिनम्य जिनेश्वरस्य कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी। कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी भीता भय प्रदमनिंदित मंग्रि पद्मम्। भीता भय प्रदमनिंदित मंग्रि पद्मम्। संसार सागर निमज्ज दशेस जंतु संसार सागर निमज्ज दशेस जंतु पुताय मानमभिनम्य जिनेश्वरस्य इस काव्य में मंगलाचरण किया गया है। ये कल्याण मंदिर स्तोत्र कल्याण मंदिर क्यों कहलाता है? क्योंकि कल्याण मंदिर शब्द से प्रारंभ हो रहा है। जैसे भक्तामर स्तोत्र भक्तामर से, एक ही भाव स्तोत्र एक ही भाव से, स्वयंभू स्तोत्र स्वयंभू शब्द से, और देवागम स्तोत्र देवागम शब्द से प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार कल्याण मंदिर स्तोत्र कल्याण मंदिर से प्रारंभ होने के कारण में कल्याण मंदिर कहलाता है। इसके अर्थ को अपन अभी देखेंगे। उसके पहले
जब भी कोई ग्रंथ प्रारंभ किया जाता है तो 6 चीजों का ज्ञान होना आवश्यक है। प्राचीन गाथा मिलती है, मंगल निमित्त हेयुम परिमाणम नाम तह कत्तारम बागरी छप्पी पच्छा बखाणौ सत्थ आयरिय। सबसे पहले मंगलाचरण, उसके बाद में किस निमित्त से इस ग्रंथ या स्तोत्र की रचना हुई, फिर इसका हेतु क्या है, चौथा इसका कितना परिमाण है, पांचवा इसका नाम क्या है और छठा इसके कर्ता कौन है। इनको जानने के बाद में, इनका व्याख्यान करने के बाद में फिर शास्त्र का व्याख्यान करने के लिए कहा गया है। तो हमने इस मंगलाचरण को किया। मंगलाचरण क्यों किया जाता है, उसके कुछ हेतु हैं, कुछ कारण हैं। एक तो मंगल शब्द कहता है मम पापम गालयतीति मंगला मंगम सुखम लाती इति मंगला। जो पाप को नष्ट करता है पुण्य को लाता है वो मंगल कहलाता है। और क्यों किया जाता है, उसके लिए कहा जाता है कि नास्तिकता का परिहार करने। हम लोग आस्तिक हैं, इस बात को बताने के लिए मंगलाचरण करते हैं। फिर शिष्टाचार का पालन करने, कोई भी कार्य होता है तो उसमें कार्यक्रम का सबसे पहले शुरुआत मंगलाचरण से की जाती है, तो शिष्टाचार का पालन करने। फिर पुण्य की प्राप्ति के लिए और शास्त्र निर्विघ्न समाप्ति हो इसलिए, साथ ही साथ में कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए जिन आचार्यों ने हमारे लिए भगवान की वाणी उपस्थित की है, प्रस्तुत की है, तो उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए भी मंगलाचरण किया जाता है। और निरहंकारता के लिए, जो अहंकार अहंकारी होता है वो कभी भी किसी की प्रशंसा नहीं कर सकता, तो यहाँ निरहंकारता की सिद्धि के लिए, शास्त्र की प्रामाणिकता के लिए भी, शास्त्र की प्रामाणिकता मंगलाचरण से बनती है इसलिए भी, और पढ़ने सुनने वालों की श्रद्धा में वृद्धि होती है, ऐसे 8 हेतुओं के कारण मंगलाचरण किया जाता है। तो इस मंगलाचरण में अपन ने अभी इसके अर्थ को अपन देखें, उसके बाद में निमित्त, किस निमित्त से इस स्तोत्र की रचना हुई, यदि अपन इस पर दृष्टि डालें तो एक मंगलाष्टक में एक पंक्ति आती है, एक काव्य में, श्रीमद कुमुद चंद्र मुनिवर सो वाद पर्यो जय सभा मझार तब ही श्री कल्याण धाम थुति श्री गुरु रचना रची अपार तब प्रतिमा श्री पार्श्वनाथ की प्रकट भई त्रिभुवन जयकार सो गुरुदेव बसोर मेरे विघ्न हरण मंगल करता। तो ये ओंकारेश्वर के मंदिर में कुछ घटना घटी, वहां पर तार्किक चूड़ामणि आचार्य कुमुद चंद्र महाराज ने वहां पर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा प्रकट की है शिला के द्वारा। तो ये एक घटना, कुछ वाद विवाद की ऐसी स्थिति राजसभा में बनी और उस समय में उन्होंने ये अतिशय करके दिखलाया, उस समय में उन्होंने कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना की, ऐसा इस काव्य के माध्यम से ज्ञात होता है। और इनको पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति के सूत्र, जब ये विक्रमादित्य के राज्य में कुछ राजकीय पद पर प्रतिष्ठित थे, उस समय में चित्तौड़गढ़ गए हुए थे और वहां के जिनालय में उनको स्तंभ में कुछ सूत्र मिले और वही बाद में इनके लिए काम में आए और उन्होंने इस स्तोत्र की रचना की। तो ऐसे इसमें निमित्त जो है, ये कुछ वाद विवाद के कारण में, स्थिति के कारण इस स्तोत्र की रचना हुई अपने समझ सकते हैं। हेतु, तो ये स्तुति किसके लिए की जाती है, भगवान की स्तुति अपने पापों को नष्ट करने के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए और पाप का संवर करने के लिए, तो ये उसका हेतु हो गया। परिमाण, इसमें 44 काव्य हैं, 43 काव्य में तो बसंतिल का छंद है और 44वें काव्य में
आर्या छंद है। इस प्रकार से ये छंदों का वर्गीकरण भी अपन समझ लें। नाम इसका अपन पहले ही कह चुके हैं कि ये कल्याण मंदिर स्तोत्र है, और इसके कर्ता ये भी बता दिया आचार्य कुमुद चंद्र महाराज, या जिनका दूसरा नाम सिद्ध सेन देवाकर भी कहा जाता है। तो ऐसे ये कल्याण मंदिर स्तोत्र, इसका दूसरा नाम श्री पार्श्वनाथ स्तोत्र भी है। जैसे भक्तामर को श्री आदिनाथ स्तोत्र कहते हैं, इसमें पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति है, तो इसलिए इसका नाम श्री पार्श्वनाथ स्तोत्र भी अपन समझ सकते हैं। अब अपन ने इन छह चीजों को जान लिया है, अब इसके बाद में अपन इसके अर्थ को देखते हैं। कल्याण मंदिरम, भगवान सभी कल्याणकों के स्थान हैं, और जो इनका आश्रय लेता है वो भी कल्याणकों को प्राप्त होता है। उदारम, भगवान उदार का अर्थ महान या दाता के अर्थ में होता है, तो भगवान महान है। फिर अवध्य भेदी, अवध्य का अर्थ होता है पाप, पाप को नष्ट करने वाले हैं। भीता अभय प्रदम, जो भयभीत है उसके लिए अभय प्रदान करने वाले हैं। अनिंदितम अंघ्रि पद्मम, भगवान अनिंदितम, अनिंदितम याने शत इंद्रों के द्वारा पूजनीय हैं, प्रशंसित हैं। संसार सागर निमज्जद अशेष जंतु पोताय मानम, संसार सागर में डूबते हुए समस्त जीवों के लिए जो जहाज के समान हैं, ऐसे जिनेश्वरस्य, ऐसे जिनवर का अंघ्रि पद्मम अभिनम्य, उनके चरण कमल को, अंघ्रि शब्द आता है पैरों के लिए, तो उनके चरण कमल को नमस्कार करके। इसमें भी एक श्लोक में पूरा अर्थ नहीं निकलता, जैसे भक्तामर में दो श्लोक मिलकर के मंगलाचरण पूर्ण होता है। पहला काव्य मंगलाचरण का है, इसमें भी दूसरा काव्य संकल्प का है, लेकिन अभी क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, नमस्कार करके। अभी आगे के काव्य को मिला करके इसका अर्थ निकलता है, ये युग्म कहलाता है। जहां पर दो श्लोक को मिला करके पूरा अर्थ निकले वो युग्म कहलाता है। तो यहां पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए उनको नमस्कार करके ये कहा। अब जैसे मंगलाचरण में अक्सर हमने देखा है कि वहां पर तीन गुणों के माध्यम से भगवान की स्तुति होती है, तो वो तीन गुण कौन कौन से हैं? वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता। यदि हम मेरी भावना में देखें, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, इसमें आ गया वीतरागता। सब जग जान लिया, इसमें आ गई सर्वज्ञता। और मोक्ष मार्ग का सब जीवों को निष्प्रय हो उपदेश दिया, इसमें हितोपदेशिता। तो ऐसे तीन गुण इस काव्य में भी छिपे हुए हैं, हमने भक्तामर में लगाए थे, इसी प्रकार से अपने को इसमें भी लगा करके ढूंढना है। तो इसमें अपन देखें तो यहां लिखा है अवध्य भेदी, पापों के नाशक, और कर्म जो होते हैं उसमें पाप प्रकृतियां भी होती हैं, पुण्य प्रकृतियां भी होती हैं। तो भगवान ने घातिया कर्मों को नष्ट किया है, तो घातिया कर्मों में वहां पर जो घातिया कर्मों को नष्ट किया है उसके कारण में पाप प्रकृति को नष्ट कर दिया, तो उससे उन्होंने वीतरागता को प्राप्त कर लिया। फिर क्या लिखा है? संसार सागर निमज्ज दशेष जंतु पोताय मानम, संसार सागर में डूबते हुए जीवों के लिए जो जहाज के समान है, इसमें कौन सा गुण है? इसमें है हितोपदेशिता। भगवान ने अपनी बाणी रूपी रस्सी का सहारा देकर के ऊपर उठाया, तो यहां पर जहाज पर भी, जो जहाज भी आलंबन दे रहे हैं, तो वहां पर बाणी रूपी ही जहाज का आलंबन संसार सागर में डूबते हुए जीवों के लिए है। तो ये हो गया कौन सा? हितोपदेशिता। अब इसमें तीसरा सर्वज्ञता, वैसे दूसरा है लेकिन
अपन ने दो कोट देख लिया है, अब सर्वज्ञता किसमें छिपी हुई है? कल्याण मंदिरम। भगवान पांचों कल्याणक के मंदिर हैं, तो पांचों कल्याणक में ज्ञान कल्याणक भी छिपा हुआ है। तो भगवान ने सर्वज्ञता यानी केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। ऐसे तीन गुणों से युक्त भगवान को यहां पर नमस्कार करके, ऐसा इस मंगलाचरण का भाव है। अब इसमें और भी गुण दिए हैं तो अपन उनको देखें। यदि तो सबसे पहले दिया है उदारम, भगवान उदार हैं। कहां कोई दूसरों की ओर ध्यान देता है, दूसरों की परेशानियों को दूर करने का भाव रखता है, लेकिन पार्श कुमार अभी भगवान नहीं बने हैं, अभी वो राज्य अवस्था में हैं और अपने मित्रों के साथ में गंगा के किनारे घूमने गए हैं, वाराणसी में जन्म हुआ है जिनका, और घूमते घूमते उनको एक जगह पर एक तापसी जो उनका ही नाना है, महीपाल जिसका नाम है, नानी का स्वर्गवास हो गया और उसके कारण में उनके नाना ने तापस के व्रत ग्रहण कर लिए और वहां पर वो पंचाग्नि तप तपता है, तो उस समय में वो एक लकड़ी को जलाने के लिए वहां पर लाया हुआ है और उसको कि इसको मत काटो, इसमें जीव है, लेकिन वो तापसी कि ये मुझे सिखाता है, जानता था कि ये मेरा नाती है लेकिन मुझे नमस्कार नहीं करता है, मुझे कुछ समझता नहीं है, और उसने उस लकड़ी को काट दिया। उसके अंदर जो नाग नागिन थे वो दोनों घायल हो गए और उस समय उनको जाकर के पार्श कुमार ने धर्मोपदेश दिया। तो ऐसा उदारपना, जहां दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए जो संकट में हैं उनके लिए भी वहां पर धर्म का मार्ग प्रशस्त किया और उसके कारण में दोनों जाकर के धर्णेंद्र और उसकी पत्नी के रूप में, देवी के रूप में उत्पन्न हुए। तो ये उदारपना भगवान के अंदर विद्यमान है, इसलिए इस काव्य में लिखा कि भगवान सभी कल्याणकों के मंदिर हैं और उदार हैं। फिर लिखा अवध्य भेदी, पापों के नाशक हैं। जो भगवान की शरण लेता है, भगवान के गुणगान करता है, भक्ति में लीन होता है, उसके भी पापों को नष्ट कर देते हैं। संकल्प पूर्वक आप जो भी कार्य करते हैं उसको संकल्प पूर्वक यदि करें तो उस समय में असंख्यात गुणी निर्जरा होने लगती है। लेकिन यदि संकल्प नहीं किया है, पढ़ रहे हैं, बीच में यदि अपन कहीं उठ करके चले गए तो फिर उसमें नहीं। आचार्य जी कहते हैं कोई भी कार्य यदि आप संकल्प पूर्वक करते हैं तब उस समय में असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। नमोकार मंत्र के पढ़ने में भी लिखा है कि नमोकार मंत्र में पढ़ने में भी अरहंत नमोकारो संपई बंदा दो असंख्येज, असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा के लिए कारण होता है। तब कैसे? जल्दी संकल्प पूर्वक किया हो। वैसे सम्यक दृष्टि श्रावक की हमेशा निर्जरा नहीं होती, जो वृत्ति है उसकी हमेशा निर्जरा होती है, लेकिन सम्यक दृष्टि श्रावक की भी यदि संकल्प पूर्वक मंदिर में आप आते हैं तो उस समय में घर से जब निकले तो घर का त्याग करके, अब 2 घंटे 3 घंटे जितना है उतना हमारा त्याग है, अब दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम तो भगवान की पूरी आराधना स्वाध्याय करके ही निकलेंगे, ऐसा संकल्प करके निकलने पर सूतक पातक का भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसके माध्यम से वहां पर भगवान की आराधना करने के लिए कहा गया है। तो यहां अवध्य भेदी, भगवान की आराधना करने से पाप का क्षय होता है। भीता अभय प्रदम, भयभीत के लिए भी अभय प्रदान करता है भगवान का नाम, भगवान की शरण। आप लोगों ने वरांग कुमार का वो उदाहरण सुना है कि जब वो झील में स्नान करने के लिए प्रवेश किए और निकलने को हुए डुबकी आदि लगा करके, तो उनके पैर को एक घड़ियाल ने पकड़ लिया। उन्होंने प्रयास किया लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो टस से मस नहीं हुआ पैर। समझ गए कि ऐसा कर्म है कि इसका फल यहां पर
अपने पुरुषार्थ के माध्यम से नष्ट नहीं हो सकता। और उस समय में उन्होंने अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरा नहित्राता जगत्रये वीतराग परो देवो न भूतो न भविष्यति। वीतरागात परो देवो न भूतो न भविष्यति। तो ये ऐसे भावों के साथ में उन्होंने जब भगवान की भक्ति की, उसके माध्यम से उनका पुण्य का वर्धन हुआ, पाप का संवर हुआ, पाप की निर्जरा हुई, और वहीं से एक यक्षी निकल रही थी, उसकी दृष्टि उनके ऊपर पड़ी और उसने अपना रूप प्रकट किए बिना ही उस घड़ियाल के मुख को दूर कर दिया। वो वहां से निकल करके बाहर आए और इतने सहजता से बाहर आ गए थे कि उनको विश्वास हो गया कि भगवान की भक्ति का ही फल है। और कोई जब हम अपने पैर को हिलाने की कोशिश कर रहे थे तो हिल नहीं रहा था रंच मात्र भी, अब यदि ये वहां से छुटकारा मिला है तो भगवान की भक्ति ही उसमें निमित्त है। और उन्होंने भगवान का जयकारा भी वहां पर लगाया। तो जब भयभीत कोई होता है उस समय में यदि भगवान का स्मरण करता है, कोई ऐसा संकट आ जाए, कई कई बार बिल्कुल मरण के निकट होते हैं, उस समय में भी भगवान का स्मरण याद आ जाए, नहीं तो अक्सर क्या होता है, क्या शब्द निकलते हैं, बचाओ मर रहा हूं, ऐसे शब्द निकलते हैं। भगवान का नाम उस समय में याद आना बड़ी आस्था का प्रतीक है। धन्य कुमार की कथा में भी आपने सुना होगा, धन्य कुमार के भाइयों ने जब सुना कि बड़ा अच्छा व्यापार करके आया है ये, खूब अच्छी एक पहले कोठी में रहते थे, अब महल जैसे घर में रहने लगे हैं और बहुत कुछ जायदाद प्राप्त हो गई है और छोटे के लिए रिश्ते आने लगे, बड़े बड़े भाई बैठे हुए हैं, अब तो जो है पानी नाक से ऊपर होने लगा, तो उन्होंने कहा कि इसको जो है रास्ते से हटाया जाए, नहीं तो ये चैन से नहीं रहने देगा। और उस समय में कहा कि हम लोग स्नान करने जा रहे हैं लेकिन हम छोटे को लेकर के नहीं जाएंगे। निषेध में आकर्षण होता है, जिस चीज का निषेध करो बच्चों के लिए तो वो उसी में आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। और बार बार उसके सामने बोला और माँ से भी कह दिया कि तुम इसको संभाल के रखना, हम लोग वहां पर बापिका पर स्नान करने जाएंगे, इसको साथ में नहीं ले जाएंगे। अरे ले जाओ ना, छोटा भाई है तुम्हारा, ऐसा करके माँ ने भी साथ में भेज दिया। और उन्होंने पहले से ऐसी प्लानिंग कर रखी थी कि वहां बापिका के किनारे पर एक बहुत भारी भरकम शिला को जैसे ही ये पानी में जाएगा इसके ऊपर डाल देंगे। और वहां पर पहुंचने के बाद में भी सबसे पहले मैं कूदूंगा, सबसे पहले मैं कूदूंगा, तो वो धन्य कुमार भी कहां पीछे रहने वाला था, वो भी कहता है सबसे पहले मैं कूदूंगा। भाई लोग कहने लगे नहीं देखो छोटा है, इसको सबसे पहले नंबर देना चाहिए। और उसको जैसे ही पानी में गया उन्होंने बड़ी शिला उसके ऊपर डाल, और उस समय में उसके मुख से मुझे बचाओ ऐसे भाव नहीं आए, वहां पर तो अरहंत शरणम पवज्जामी, सिद्ध शरणम पवज्जामी, ऐसे भावों के साथ में भगवान की शरण को प्राप्त हुआ। नमोकार मंत्र का जाप किया और एक देव ने आकर के उसका संरक्षण किया। और देव ने भी यही कहा कि तुम उस समय में भगवान को स्मरण नहीं कर रहे थे, तुम उस समय में भगवान को स्मरण कर रहे थे, तुम उस समय में कि मुझे कोई बचाए कोई रक्षक का और किसी का स्मरण नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आया हूं। तो जो भगवान की भक्ति करते हैं यदि ऐसे कहीं संकट आ जाए उस समय में भगवान का स्मरण करते हैं तो भयभीत भी अभय को प्राप्त हो जाता है। और एक और उदाहरण, एक ब्रह्मचारी जी जिन्होंने सुबह सुबह उठ करके पानी मोटर में लगा करके प्लग लगाया और हाथ में करंट लग गया और वो गिर पड़े करंट के बीच में भी उनको उस समय में आचार्य गुरुदेव की याद और उन्हीं का स्मरण करके वो 10 मिनट तक उसमें करंट में पड़े रहे। और
वहां मृत्यु के मुख से निकल करके उस समय में भी ऐसी परिस्थिति में भी उनको आचार्य परमेष्ठी की स्मरण उनका आलंबन याद रहा और उसके कारण में उनकी जान बच गई। नहीं तो कहां पानी में करंट वगैरह जहां पर लग जाता है, कई घटनाएं ऐसी घटी हैं कि व्यक्ति मरण को प्राप्त हो जाता है। एक जगह हम थे, वहां पर माली बहुत अच्छा हसमुख था और उस समय में उसके लिए कोई कुछ बोलता था तो वहां पर वही माली की बात कर रहा हूं जो पानी के करंट में मरण को प्राप्त हुआ। ऊपर से कोई ने बोला उसके नाम को लेकर के, गोविंद उसका नाम था शायद, कि गोविंद ऊपर आओ। तो कहने लगे देखो हमको अभी से ऊपर बुला रहे हैं, मतलब उसका मजाक करने की बात थी कि हमको ऊपर भेज रहे हैं। और कुछ दिनों के बाद में वो घटना घटी कि वो पानी में ही करंट में ही मरण को प्राप्त हो गया। तो ऐसे पानी में कई घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन वो ब्रह्मचारी के लिए वहां पर आचार्य परमेष्ठी का नाम स्मरण उस समय में भी वहां पर भयभीत था, लेकिन वहां पर उसके लिए अभय प्रदान करने वाला बन गया। तो यहां पर यही कहा गया है, भीता भय प्रदम, भीत भयभीत के लिए भी भगवान का नाम अभय प्रदान करने वाला होता है। और अनिंदितम, भगवान के जो चरण हैं वो प्रशंसनीय हैं, शत इंद्रों के द्वारा पूजनीय हैं। भवनालय चालीसा, विंतर देवाण होंती बत्तीसा, कप्पा मर चौबीसा, चंदो सूरो नरो तिरियो। ऐसे शत इंद्रों के द्वारा भगवान पूजित होते हैं, इसलिए इसमें कहा अनिंदितम। और इसके बाद में कह रहे हैं अंग्री पद्मम, जो संसार सागर में डूबते हुए समस्त जीवों के लिए जहाज के समान हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान के अंग्री पद्मम यानी चरण कमल। चरण कमल के लिए क्यों नमस्कार किया जाता है? कोई कभी नहीं कहता कि भगवान मैं आपके केशों को नमस्कार करता हूं, भगवान मैं आपके मुख को नमस्कार करता हूं, भगवान मैं आपके हाथों को नमस्कार करता हूं। सब लोग क्यों बोलते हैं भगवान हम आपके चरणों को नमन करते हैं? क्यों? क्योंकि चरण आचरण का प्रतीक होते हैं और दो चरण होते हैं, तो इसीलिए वहां पर सकलम विकलम चरणम, दो प्रकार के, एक सकल चारित्र होता है और एक देश चारित्र होता है। और उसमें भी कहा समंत भद्र स्वामी ने रत्नकंड श्रावकाचार में, चरणम प्रतिपद्यते साधु, चरण का अर्थ वहां पर आचरण को मैं प्राप्त होता हूं। तो सज्जन लोग आचरण को, चारित्र को प्राप्त करते हैं, तो ऐसे जहां पर सकल चारित्र और विकल चारित्र का प्रतीक है, या अपन कहें दूसरे रूप में कि जो निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र के प्रतीक हैं, ऐसे भगवान के दोनों चरण कमलों को नमस्कार करके, इतना अर्थ इस काव्य में निकलता है। तो ये मंगलाचरण का प्रतीक, जिसमें कि अभी पूर्णता नहीं हुई है, हमने पहले भी बताया था, दूसरे काव्य को मिला करके इसमें पूर्णता आएगी। अपन इस काव्य का जो हिंदी पद्यानुवाद है वो पढ़ते हैं, उसके पहले अपन एक बार पुनः इस कल्याण मंदिर वाला जो मंगलाचरण है उसका उच्चारण कर लेते हैं। कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी, भीता भय प्रद मनिंदित मंग्रि पद्मम, भीता भय प्रद मनिंदित मंग्रि पद्मम। संसार सागर ने मज्ज दशेस जंतु, संसार सागर ने मज्ज दशेस जंतु,
पुताए मानमभिनम्य जिनेश्वरस्य। हाँ, तो इसके एक बार अपन अर्थ को भी देख लें कि जो भगवान कल्याण के स्थान हैं, मंदिर हैं, जो उदार हैं, पापों के नाशक हैं, और जो भयभीत के लिए अभय प्रदान करने वाले हैं, और जिनके चरण कमल प्रशंसनीय हैं, अनिंदित, निंदित का अर्थ समझते हैं, निंदित का उल्टा है ना, प्रशंसनीय, और संसार सागर में डूबते हुए समस्त जीवों के लिए जो जहाज के समान हैं, ऐसे जिनेश्वर के चरण कमल को नमस्कार करके, इतना अर्थ इसमें है। ये स्तोत्र ये निराला, सब दुख को हरने वाला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, ते स्तोत्र ये निराला, कल्याण धाम सुख कर, भय हर वताप हारी, सुंदर उदार जिनके, पद कमल निर्विकारी, भव सिंधु डूबतों को, है ये जहाज आला, भव सिंधु डूबतों को, ये हैं जहाज आला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, ये स्तोत्र ये निराला, अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंता मणि उपमा भाति, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टा, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नभ बार,